एक बार ओवरव्यू में हमने इसको फास्ट फास्ट पढ़ा था, अब बस ये कि जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं उसको बस एक बार डीपली रीड कर ले रहे हैं। बेसिक थ्योरी इसके अंदर जो सेकंड इसका पार्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, उसमें थोड़े टेक्निकल वर्ड हैं भी, इसके अंदर कुछ नहीं है। तो ये ऑरिजिन है, ऑरिजिन आपके लिए बिल्कुल रेलेवेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से शुरू होती है आपकी कहानी मीनिंग ऑफ कॉस्ट से, ठीक है। ऑरिजिन एंड रिवॉल्यूशन दोनों आपके लिए एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं है, बस आपकी बेसिक नॉलेज के लिए, उसको एक बार रफली रीड कर लें, ठीक है। मीनिंग ऑफ कॉस्ट में क्या है, तो आपको बताया था कॉस्ट का बेसिकली मतलब क्या होता है कि अमाउंट एट्रीब्यूटेबल टू अ गुड और सर्विसेज जो भी है तो वो आपका कॉस्ट कहलाता है। कॉस्टिंग क्या होती है, तो कॉस्टिंग बताया था कि जो सारे मेथड या टेक्निक जो हम लगाते हैं किसी की कॉस्ट को फाइंड आउट करने के लिए वो क्या कहलाता है हमारा, कॉस्टिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, उसकी प्रॉपर क्लासिफिकेशन एंड रिकॉर्डिंग वगैरह करना, जो आप अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ते हो ना, सेम टू सेम वही है, कॉस्टिंग में अप्लाई हो जाती है, वो कॉस्ट अकाउंटिंग कहलाती है। और कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या होती है, जो कि प्रिंसिपल और प्रैक्टिस वगैरह थ्योरी वगैरह देती है किस चीज़ की, कॉस्ट अकाउंटिंग को करने की, ठीक है ना। ये चार टर्म थे आपके, एक बार देखते हैं मीनिंग ऑफ कॉस्ट। मीनिंग ऑफ कॉस्ट में क्या लिखा है, इट इज द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज गिवन इन एक्सचेंज ऑफ सम गुड्स एंड गुड्स और सर्विसेज, द रिसोर्सेज गिवन अप आर एक्सप्रेस्ड इन monetary terms, cost is defined as the amount of expenditure incurred on or attributable to a given thing or to ascertain the cost of a given thing. ये आपकी mainly definition है cost से लेके यहां तक, जिसको मैं short में बार बार कह रहा हूं कि amount attributable to a thing है उसी को ये लिखा गया है। ये आपकी मेन है वन लाइनर डेफिनेशन, अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप ये लिखोगे कॉस्ट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, एक्चुअल भी हो सकता है नोशनल भी हो सकता है, इनकर्ड ऑन या फिर उसको बोलते हैं एट्रीब्यूटेबल, उस पर लगना, ठीक है, टू अ गिवन थिंग और टू असर्टेन द कॉस्ट ऑफ अ गिवन थिंग, आपका कॉस्ट कहलाता है। द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल कंसिस्ट द एक्चुअल आउटगोइंग और असर्टेन्ड चार्जेस इनकर्ड इन इट्स प्रोडक्शन एंड सेल। अब यहाँ पे ना एक्चुअल और नोशनल लिखा है, एक्चुअल का मतलब क्या है जो कि लग चुका, और नोशनल का मतलब क्या है जो अनुमानित है कितना लगेगा, ठीक है। एक्चुअल कॉस्ट वो कॉस्ट जो कि लगनी है, लग चुकी है, और नोशनल कॉस्ट जो कि अनुमान है हमारा कि भैया इतनी कॉस्ट इसके अंदर और लगेगी पूरी कॉस्ट आने में, तो वो नोशनल कहलाती है। तो वही कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल जो होता है उसके अंदर दो चीजें होती है, कंसिस्ट एक्चुअल आउटगोइंग और असर्टेन चार्जेस इनकर्ड इन इट्स प्रोडक्शन एंड सेल। कॉस्ट इज अ जेनेरिक टर्म एंड इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू क्वालिफाई द वर्ड कॉस्ट टू शो एग्जैक्टली व्हाट इट मींस, एग्जांपल प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, सन कॉस्ट एक्सेट्रा वगैरह वगैरह, ये सारे जो भी है मतलब एग्जैक्ट है कि हाँ प्राइम कॉस्ट होगा तो वो कुछ फिगर एक अलग डिफरेंट होगी, फैक्ट्री कॉस्ट होगी तो अलग होगी, सन होगी तो वो डिफरेंट होगी। कॉस्ट इज ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम द वैल्यू एज कॉस्ट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी, वेयर एज वैल्यू इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ यूजफुलनेस एंड यूटिलिटी ऑफ एन आर्टिकल। ये ऑब्वियसली बात है कि कॉस्ट और वैल्यू, किसी भी सामान की वैल्यू क्या है और किसी भी सामान की कॉस्ट क्या है, ये दोनों डिफर करता है। वैल्यू के अंदर क्या चीज आती है कि वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, लाइक पानी की बॉटल है वो एक के लिए वो 20 रुपए की उसकी वैल्यू है, बट हो सकता है किसी के लिए 100 रुपए की हो जो ज्यादा प्यासा है। वैल्यू मतलब उसके लिए उसकी अहमियत कितनी है, तो वो अहमियत को जब आप मॉनेटरी टर्म में नापोगे तो वो फ्लक्चुएट करेगा पर्सन टू पर्सन, हर किसी चीज हर किसी व्यक्ति के लिए प्रोडक्ट की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है डिपेंडिंग कि उसकी यूजफुलनेस कितनी है, उसकी उसकी रिक्वायरमेंट कितनी है। इसलिए कॉस्ट एक अलग चीज़ है, वैल्यू एक अलग चीज़ है। कॉस्ट हर किसी के पैरामीटर में सेम ही निकल के आएगा, बट वैल्यू जो है वो डिफरेंट निकल के आएगा डिपेंडिंग अपॉन उसकी यूजफुलनेस या रिक्वायरमेंट, ठीक। तो ये पूरा कॉस्ट के ऊपर चर्चा थी। अगला आता है कॉस्टिंग। तो कॉस्टिंग क्या है, इज अ टेक्निक और प्रोसेस ऑफ असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट। ये आपकी वन लाइनर इसकी डेफिनेशन हो गई कि भैया कॉस्टिंग क्या होती है, टेक्निक कह लो या फिर प्रोसेस कह लो, टेक्निक कह लो या प्रोसेस कह लो, जिससे कि हम कॉस्ट को असर्टेन करेंगे। द टेक्निक कंसिस्ट ऑफ प्रिंसिपल एंड रूल्स व्हिच गवर्न द प्रोसीजर ऑफ असर्टेनमेंट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट सर्विसेज। द प्रोसेस कंसिस्ट इंक्लूड रूटीन्स ऑफ असर्टेनिंग कॉस्ट बाय हिस्टोरिकल और कन्वेंशनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग। बेसिकली मेथड्स के नाम बता दिए आपको कि कन्वेंशनल कॉस्टिंग फॉलो कर सकते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कर सकते हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग कर सकते हैं। कोई भी मेथड या टेक्निक लगा के जो हम कॉस्ट को असर्टेन करेंगे वो बेसिकली हमारा कॉस्टिंग कहलाएगा। नेक्स्ट आता है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग इज दी, अब वही वर्ड्स है, क्लासिफाइंग रिकॉर्डिंग एंड एप्रोप्रिएट एलोकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और services and for the presentation of suitable arranged data for the purpose of control and guidance of management।
ठीक है, बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग मोटा मोटा करके आ रहा है कि पूरे खर्चे जो लग गए हैं उसको वो बांट रहा है, एलोकेट कर रहा है, अलग अलग क्लासिफाई कर रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है होने के बाद, तो वो क्या है हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्टिंग का काम कब तक चल रहा था, जब तक वो काम अभी प्रोसेस में था, एक बार वो कंप्लीट हुआ उसके बाद किसका काम शुरू होगा, कॉस्ट अकाउंटिंग का। इट इंक्लूड्स क्या क्या आता है, द असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ एवरी ऑर्डर जॉब, जॉब कॉन्ट्रैक्ट, प्रोसेस, सर्विस और अ यूनिट एज मे बी एप्रोप्रिएट। आपने पढ़े थे कुछ एक टर्म्स है चैप्टर्स है जो अलग अलग लगते हैं, जॉब कॉन्ट्रैक्ट कहीं पे लगता है, प्रोसेस कॉस्टिंग कहीं पे लगता है, सर्विस कॉस्टिंग कहीं पे लगता है, तो इन सब की जो बुक कीपिंग है वो किसके अकॉर्डिंग होगी, कॉस्ट अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग होगी। इट डील्स विद द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इट डज द प्रोविजन ऑफ सच एनालिसिस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर एज विल इनेबल द टोटल कॉस्ट ऑफ एनी पर्टिकुलर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन और सर्विसेज टू बी असर्टेन विद अ रीजनेबल डिग्री ऑफ एक्यूरेसी एंड द सेम टाइम टू डिस्क्लोज एग्जैक्टली हाउ such total cost is constituted, that is the value of material used, amount of labor and other expenses incurred so as to control and reduce its cost। basically iska matlab kya hua ki aapne ek cost sheet bana di jiske andar aapka cost of production, selling and distribution ka sare kharche pata lag rahe hain, material kitna laga, labor kitna laga, jisse ki hame pehle term mein kya pata lagega ki kitna laga aur second mein hum koshish kya karenge ki usko dekhne ke baad kaise usko kam kar sakte hain, reduce kar sakte hain। Thus, cost accounting relates to the collection, classification, ascertainment of cost and its accounting and control relating to the various elements of cost। ये भी आप definition के तौर पे लिख सकते हो, वर्ल लाइनर बहुत अच्छी लाइन लिखी है यहाँ पे ये वाली, cost accounting से लेके elements of cost तक, ठीक है, ये भी perfect है इसकी definition में लिखने के लिए। It establishes budget and standard cost and the actual cost of operation, process, department or product of the and the analysis of the variance, profitability and social use of funds। ये basically सर सारी बात बता दी जो हम costing के अंदर करते हैं, क्या क्या करते हैं, हम actual cost निकालते हैं किसका, operations का, process, operation का मतलब वही हो गया जैसे मैंने बताया था, बस चल रही है, operating costing, process costing, departmental costing या किसी product की costing, और analyze करना क्या, variance, variance का मतलब क्या कि आपने क्या budget बनाया था और क्या actual निकल के आया, उसके बीच का जो difference होता है उसको variance बोलते हैं। variance का मतलब क्या है, change, कि जो हमने सोचा था और जो हुआ उनके बीच में क्या डिफरेंस है, दैट इज वेरिएंस, उसकी एनालिसिस करना, प्रॉफिट वगैरह, प्रॉफिटेबिलिटी फाइंड आउट करना है, सोशल यूज ऑफ फंड मतलब जो टोटल फंडिंग थी उसका हमने यूज किस तरीके से किया है, वो ऑप्टिमम यूटिलाइज किया या नहीं किया। अकाउंटिंग सॉरी अकॉर्डिंग, ये अकॉर्डिंग होना चाहिए, अकाउंटिंग नहीं होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू कोहलर, आपने भी गलत लिखा है जहां भी खत्म किया यूज ऑफ फंड उसके बाद, अकाउंटिंग टू कोहलर नहीं होगा, अकॉर्डिंग टू कोहलर होगा, ये व्यक्ति का नाम ले रहा है तो ये अकाउंटिंग नहीं अवॉर्ड होगा, यहाँ पे अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। कोलर कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग डीलिंग विद द क्लासिफिकेशन, रिकॉर्डिंग, एलोकेशन, समराइजिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ करंट एंड प्रोस्पेक्टिव कॉस्ट। ये भाई साहब ने बड़ी अच्छी लाइन बता दी कि वही सारे काम करता है किस चीज का, करंट कॉस्ट का भी और प्रोस्पेक्टिव मतलब नोशनल या फ्यूचर कॉस्ट का भी, जो ऊपर भी लिखा हुआ आ रहा था। नेक्स्ट आता है आपका कॉस्ट अकाउंटेंसी। कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या है, तो कॉस्ट अकाउंटेंसी बेसिकली क्या देता है हमें, थ्योरी देता है, प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट, ये सारी चीजें कहां लिखी है, कॉस्ट अकाउंटिंग में, या कॉस्ट अकाउंटिंग करनी कैसे है उसके बारे में सारी बातें कौन बताता है, कॉस्ट अकाउंटेंसी। तो कॉस्ट अकाउंटिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है। मेथड्स एंड टेक्निक्स टू बी टू द साइंस, आर्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ कॉस्ट कंट्रोल एंड असर्टेनमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। इट इंक्लूड्स द प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन डिराइव्ड देयर फ्रॉम फॉर द पर्पस ऑफ मैनेजेरियल डिसीजन मेकिंग। Thus, cost accounting is the science, art and practice of a cost accountant. It is science because it is a body of systematic knowledge having certain principles which a cost accountant should possess for a proper discharge of its responsibility. It is a art, art kyun bhi? It is a art as it requires ability and skill with which a cost accountant is able to apply the principles of cost accountancy to various managerial problems. And practice include the continuous effort of a cost accountant in the field of cost accountancy. Such effort also include the presentation of information about the purpose of managerial decision making and keeping statistical records. ठीक है जी, ये तीन चीजों को इन्होंने basically define किया। अब आप कहां से ले सकते हो इसको? यहां से। This is your perfect area.
कॉस्ट अकाउंटेंसी इज अ साइंस आर्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ अ कॉस्ट अकाउंटेंट. इट इज नहीं नहीं बस प्रैक्टिस ऑफ अ कॉस्ट अकाउंटेंट. एक मिनट ये नहीं ये आगे आगे एक ये काम की लाइन थी यहां पे. इसके बाद तो इन तीनों चीजों को उन्होंने डिफाइन किया. साइंस क्यों है भाई, साइंस क्यों बोला इन्होंने, क्योंकि इसके अंदर एक डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रिंसिपल्स फॉलो होते हैं. आर्ट क्यों बोला, क्योंकि उस प्रिंसिपल को लगाने के लिए जो कॉस्ट अकाउंटेंट होगा उसके पास प्रॉपर स्किल्स वगैरह होनी चाहिए. और तीसरा कह रहा है प्रैक्टिस. प्रैक्टिस क्यों बोला, क्योंकि हम रेगुलर एफर्ट्स लगाते रहते हैं कि कॉस्ट को फाइंड करने के लिए क्या बेस्ट मेथड निकाल सके, कैसे उसको रिड्यूस कर सके, तो इसलिए इसको प्रैक्टिस वर्ड बोला गया. तो ये तीन वर्ड होना जरूरी है कॉस्ट अकाउंटेंसी के अंदर. क्या क्या, साइंस आर्ट है, प्रैक्टिस ऑफ अ कॉस्ट अकाउंटेंट जो वो रूटीन में फॉलो करता है. ठीक है, और डेफिनेशन के लिए आपका स्टार्टिंग का ही लाइन काफी था, जो स्टार्टिंग से शुरू हो रहा है प्रॉफिटेबिलिटी तक, जो आप अगर एग्जाम में लिखने को आए तो वो लिख सकते हो कि कॉस्ट अकाउंटेंसी इज द एप्लीकेशन ऑफ कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटेंसी प्रिंसिपल्स मेथड्स एंड टेक्निक्स टू द साइंस आर्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ कॉस्ट कंट्रोल एंड द असर्टेनमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी. ये तीन चीज लगानी है हमें कॉस्ट कंट्रोल के लिए और प्रॉफिट को फाइंड आउट करने के लिए, असर्टेन करने के लिए. ठीक है, देन नेक्स्ट आता है अब आपका इंपॉर्टेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग. पेपर में आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है. अभी जैसे इंपॉर्टेंस आएगा कॉस्ट अकाउंटिंग को, रिलेवेंट में जो भी बातें ओवरऑल आपको माइंड में होनी चाहिए सबके आंसर सिमिलर लगेंगे. ठीक है ना, तो कॉस्ट अकाउंटिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों ये होना जरूरी है. तो इंपॉर्टेंस को इन्होंने अलग अलग हेडिंग में डिफाइन किया है. पहले बता रहे हैं कि भैया मैनेजमेंट के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, मैनेजमेंट के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग की क्या इंपॉर्टेंस है. तो सबसे पहले इन्होंने दिया क्लासिफिकेशन एंड सब डिवीजन ऑफ कॉस्ट. इसका मतलब क्या हुआ, देखो जरा मैनेजमेंट क्या करती है, मोटा मोटा मैनेजमेंट का काम क्या, वो कॉस्ट शीट बनवाएगी आपसे. ठीक है ना, कॉस्ट शीट मैनेजमेंट की तो बनवा रही है. अब जो मैनेजमेंट कॉस्ट शीट बनवा रही है तो उसको से क्या फायदा मिल रहा है, कि उसको कॉस्ट जो है वो क्लासिफाइड होके मिलेगा. क्लासिफाइड होके मतलब कि किस किस हेड में कितने कितने खर्चे हो रहे हैं वो उसको मिल गया इजिली, और उसको सब डिवाइड भी हो सकता है. सब डिवाइड का मतलब जैसे कि अगर उसको प्राइम कॉस्ट जानना है तो कॉस्ट शीट से पता लग जाएगा, फिर प्राइम कॉस्ट के अंदर उसको मटेरियल कॉस्ट जानना तो भी पता लग जाएगा. अगर वो सिंपली कॉस्ट अकाउंटिंग फॉलो ना करे तो उसको ये हेडिंग वाइज कॉस्ट की क्लासिफिकेशन नहीं मिल पाई. पहला ऑब्जेक्टिव या इंपॉर्टेंस. दूसरा कंट्रोल ऑफ मटेरियल लेबर एंड ओवरहेड कॉस्ट. ऑब्वियसली बात है, पहले तो कॉस्ट पता लगेगा, और कॉस्ट जब एक बार पता लगेगा तभी उसके ऊपर वो क्या कर सकते हैं, कंट्रोल की मटेरियल ज्यादा जा रहा है, लेबर ज्यादा लग रहा है, या फिर ओवरहेड. ओवरहेड बेसिकली क्या थे आपके, ओवरहेड का मतलब ओवरहेड किससे बनते हैं, सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बेसिकली क्या है, हमारे ओवरहेड्स हैं. तो वो ओवरहेड्स को भी कैसे कंट्रोल कर सकते हैं उसके बारे में पता लगेगा. नंबर थ्री प्राइस डिटरमिनेशन. ऑब्वियस ही बात है कि जो मार्केट में प्रोडक्ट को बेचा जाएगा उसका प्राइस फाइंड आउट करना पड़ेगा. प्राइस फाइंड आउट करने से पहले ये तो पता हो कि उसमें लागत कितनी है. जब तक कॉस्ट नहीं पता होगी तो आप सेलिंग प्राइस कैसे डिसाइड करोगे अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़ते हुए. तो प्राइस डिटरमाइन करने में ये हेल्प करता है. अगला आता है बिजनेस पॉलिसी. बिजनेस पॉलिसी का मतलब क्या हुआ, बिजनेस पॉलिसी का मतलब क्या हुआ कि आपको प्रोडक्ट बनाने हैं डिफरेंट डिफरेंट. जैसे मैंने आपको बताया था एक बजट का, कि बजट में क्या होता है कि हर साल हम डिसाइड करते हैं कि भैया जो हमारा एक मशीन है उसकी 80% कैपेसिटी को यूज करेंगे या 110% कैपेसिटी को यूज करेंगे. पिछली बार हमने 10,000 प्रोडक्ट बनाया था, इस बार हम 12,000 बनाएंगे, इस बार 8,000 बनाएंगे. तो इस टाइप के बतेरे डिसीजन है भैया. 10,000 बनाया था तो लॉस हो गया था, या कम बनाओ थोड़ा सा, या डिफरेंट वर्ड प्रोडक्ट है हमारे पास, हम 3-4 प्रोडक्ट में काम कर रहे हैं तो ये प्रोडक्ट में इतना बना के हमें लॉस हुआ तो इसको कम कर दो, इसमें कम बनाया था फायदा हुआ था तो इसको बढ़ा दो. तो प्रोडक्ट मिक्स है हमारा, कि हम एक बंदा एक फैक्ट्री के अंदर 4 टाइप के प्रोडक्ट बनाता है, किसी में उसको लॉस हो रहा है, किसी में उसको प्रॉफिट हो रहा है. तो वो जब उसको इंडिविजुअली चारों चीजें पता लगेगी तभी तो उसको रोटेट कर पाएगा कि इसको कम करना है किसको बढ़ाना है. तो वो पॉलिसीज वगैरह डिसाइड करने में भी हेल्प करता है. अगला आता है स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग एफिशिएंसी. अब इसका मतलब क्या है कि आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक चैप्टर पढ़ोगे. स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बेसिकली क्या करता है आपको, कि आप कुछ एक चीज पहले से प्लान करते हो, उसके अकॉर्डिंग आप डायरेक्शंस देते हो कि भैया लग जाओ इस तरीके से काम करना है हमें. इस तरीके से जब काम हुआ तो पता लगा एक्चुअल काम कुछ और ही था, तो कुछ और जो भी काम निकल के आया एक्चुअल और जो आपने स्टैंडर्ड तय किया था उसके बीच में आप क्या फाइंड आउट करोगे, डिफरेंस, कि क्यों डिफरेंस आया. हमने सोचा था लेबर लगेगा 1,00,000 रुपए का, क्यों लग गया 2,00,000 रुपए का, कहीं उसकी एफिशिएंसी तो खराब नहीं थी. हमने सोचा था एक लेबर मिलकर एक प्रोडक्ट बना देगा एक दिन में, वो 2 दिन में बना रहा है एक प्रोडक्ट को, क्यों 2 दिन में बना रहा है. तो आप क्या कर सकते हो, एफिशिएंसी को मेजर कर पाओगे कि भैया हमने लेबर को गलती रख ली है, आलसी बैठे रहते हैं, मतलब जो भी तरीके से आप माप पाओगे कि स्टैंडर्ड क्या था मेरा और एक्चुअल क्या हुआ और उसके बीच में डिफरेंस क्यों आया. पहला बात तो डिफरेंस आया, और दूसरा आया तो वो क्यों आया, फिर उसको फाइंड आउट करने लगता है कि हाँ भाई नॉर्मल सिचुएशन की वजह से आया था तो कोई दिक्कत नहीं, बट अगर कुछ उसके अंदर दिक्कतें हैं तो उसको आप अगली बार सुधार पाओगे. ठीक है, तो एफिशिएंसी मेजरमेंट का बेसिकली काम करेगा. अगला बेस्ट यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज. इसको समझाने की जरूरत नहीं, आपने बिजनेस में पढ़ा हुआ है बहुत बार ये.
बेसिकली ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है कि अगर आपकी कॉस्ट शीट होगी द थिंग इज कि कोई भी चीज डाटा में मेंटेन्ड होगा तभी उसका ऑप्टिमम यूटिलाइज हो पाएगा, अगर आपको पता ही नहीं होगा किसमें कितना क्या लग रहा है। अगला स्पेशल फैक्टर, स्पेशल फैक्टर में देखो क्या चीजें लिखी है, उसको एक बार अंदर से पढ़ लेते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग इन्फॉर्म्स द मैनेजमेंट अबाउट द स्पेशल फैक्टर्स सच एज, क्या क्या है, ऑप्टिमम प्रॉफिटेबिलिटी, सीजनल वेरिएशन इन वॉल्यूम एंड कॉस्ट, आइडल टाइम ऑफ लेबर, आइडल कैपेसिटी ऑफ मशीन, इट ऑल्सो हेल्प टू कर्टेल द लॉसेस ड्यूरिंग द ऑफ सीजन। पहले क्या कह रहा है स्पेशल फैक्टर में, क्या है ऑप्टिमम प्रॉफिटेबिलिटी। ऑप्टिमम प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि हम मैक्स टू मैक्स कितना अर्न कर सकते हैं, क्या कमा सकते हैं, अगर हम सारा कुछ ऑप्टिमम लेके चलेंगे, बेस्ट यूटिलाइज करेंगे रिसोर्सेज को जितने भी हमारे पास, तो हम क्या प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे। सीजनल वेरिएशन का मतलब क्या हुआ, जैसे कोई प्रोडक्ट है वो किसी सीजन में बहुत हैवी सेल होता है, किसी सीजन में वो कम जाता है, कोई होते हैं जो सीजनल ही होते ही हैं। अब एसी है तो एसी का जो सेल होगी उसकी कॉस्ट शीट जो बनेगी वो ऑब्वियसली बात है कब अच्छी दिखाई देगी, मतलब प्रॉफिट में कब आएगी, गर्मियों में। बट सर्दियों में क्या होगा कि उसको बस मेंटेन करने का कॉस्ट चल रहा होगा, मेंटेन हो रहा होगा, ठीक है ना, प्रॉफिट की ज्यादा उम्मीद नहीं होगी। तो सीजनल वेरिएशन भी आता है, तो वो भी आप क्या कर सकते हो कि कॉस्ट शीट को आप मंथ वाइज बना सकते हैं कि तीन तीन महीने के क्वार्टर में कॉस्ट शीट बना, तो आपको पता लग जाएगा किस सीजन में क्या फ्लक्चुएट कर रहा है। तो ये स्पेशल फैक्टर हो गए। अगला इन वॉल्यूम एंड कॉस्ट हो गया। आइडल टाइम ऑफ लेबर, लेबर का आइडल टाइम फाइंड आउट किया जा सकता है। आइडल टाइम लेबर का क्या होता है कि लाइक लेबर को हमने 8 घंटे के लिए एम्प्लॉय किया तो क्या वो 8 घंटे काम करता है, नहीं करता। बीच में वो क्या क्या चीजें करेगा, बीच में उसको लंच ब्रेक मिलेगा, बीच में उसको रिफ्रेशमेंट वगैरह मिलेगा, कुछ चाय कॉफी वगैरह मिलती है, उसमें टाइम लगाता है। जब वो एंट्री करता है और जब वो अपने वर्क प्लेस पे जाता है, सपोज उसकी सीट है कहीं पे और उसका एंट्री गेट है कहीं पे, जब वो उसने पंच कर दिया, हाँ जी मैं आ गया, मेरी अटेंडेंस लग गई, अटेंडेंस लगने के बाद वो अपनी सीट पे जाने में सपोज 5 मिनट लगाता है, तो 5 मिनट भी क्या है, आइडल टाइम, ठीक है ना। काम तो 8 ही घंटे करेगा ना, एक बार आप ऑफिस में पैर रख दिया तो आपकी अटेंडेंस लग गई, बट आप जरूरी हो ना कि ऑफिस में आप खड़े होते आपने काम करना शुरू कर दिया, आप सीट पे कभी जाते हो, कभी आप रिफ्रेश होने जा रहे हो, कभी आपको टी ब्रेक मिल रहा है, कभी लंच ब्रेक मिल रहा है, इस टाइप की चीजों में क्या होता है टाइम आपका जाता है, वो क्या है आपका आइडल टाइम। तो उसकी कैलकुलेट करना कि इफेक्टिवली टाइम जो है लेबर का वो कितना लग रहा है और कितना हमारा आइडल टाइम की वजह से कॉस्ट जा रहा है। नेक्स्ट आता है आपका आइडल कैपेसिटी ऑफ मशीन, ठीक है। आइडल टाइम में कुछ एक चीज और भी होती है कि जैसे कि हमारा मशीन खराब हो गई तो लेबर आइडल ही बैठेगा, ठीक है ना। तो इसमें दो फैक्टर आएंगे जब आप डीप पढ़ोगे इसको, कि एक नॉर्मल रीजन होते हैं, एक अबनॉर्मल रीजन होते हैं। अबनॉर्मल रीजन मतलब आपका मटेरियल खत्म हो गया, लेबर काम कर रहा था, मटेरियल खत्म हो गया, तो लेबर खाली बैठेगा फिर, तो उसमें क्या लेबर की गलती नहीं है, उसमें क्या है आपकी गलती, मैनेजमेंट की गलती है। ऐसी मशीन आ रहा है आइडल कैपेसिटी ऑफ मशीन, मतलब क्या है मशीन हमने बहुत बड़ी ले ली, मशीन हमने बहुत बड़ी ले ली। सपोज करो ऐसे घर के एग्जांपल में कि आपने वॉशिंग मशीन खरीद ली बड़ी वाली और आपके कपड़े होते हैं 2-4 ही, तो क्या है कि मशीन की कैपेसिटी क्या जा रही है उसके अंदर, आइडल जा रही है। मशीन चलेगी तो पूरी चलेगी, आप उसके अंदर 10 कपड़े धो सकते थे, आप 3 कपड़े धो रहे हो, तो बाकी 7 कपड़े की कैपेसिटी क्या है, आइडल। ऐसे आपने कोई मशीन खरीदी, कोई प्रोडक्ट बनाने वाली, वो 1000 प्रोडक्ट एक बार बना सकती है, लेकिन आपका मटेरियल ही नहीं उतना, पैसे ही नहीं है उतने, तो आप क्या करते हो 100 प्रोडक्ट बना रहे हो उसके अंदर, तो बाकी 900 की जो आइडल जा रही है ना, तो आइडल मतलब वो बाकी कॉस्ट तो पूरी पूरी ले रही होगी, लाइक सपोज इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है तो वो पूरी ले रही होगी, लेबर जितना लगनी चाहिए वो पूरी लग रहे होंगे, प्रोडक्ट कम निकल के आ रहे हैं। तो ये क्या है मेजरमेंट, इस चीज की मेजरमेंट आप कर सकते हो। ये सारे आपके क्या थे स्पेशल फैक्टर्स में आ सकते हैं। इंपॉर्टेंस टू वर्कर, इसका मतलब क्या है कि बेसिकली वर्कर से वही चीज निकल के आ रही है आपकी कि उनकी एफिशिएंसी वगैरह, जो वर्कर जो आपके काम कर रहे हैं उनकी एफिशिएंसी वगैरह नापने में क्या करेगा हमारी मदद करेगा, उसकी जो वेजेस पेमेंट करनी है उसकी प्लानिंग करने में हमारी मदद करेगा, उनको रिपोर्टिंग में मदद करेगा। ये सेकंड हेडिंग थी, ठीक है ना। ये जो पहली हेडिंग चल रही थी इंपॉर्टेंस टू मैनेजमेंट, उसके अंदर बहुत सारे पॉइंट आए थे, ये अब सेकंड बी पार्ट आया इंपॉर्टेंस टू वर्कर, कि वर्कर के लिए कॉस्ट शीट क्या है, तो बेसिकली वही है उसकी एफिशिएंसीज वगैरह में, अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो वर्कर के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा भी तो है, अगर किसी की एफिशिएंसी जो है वो अच्छी है, जो स्टैंडर्ड दिया गया था वो उसके बियॉन्ड काम कर रहा है, उसको कहा गया था भाई साहब एक दिन में तुम्हें एक प्रोडक्ट तो बनाना ही है, वो एक दिन में 2 बना के दे रहा है, तो उसका उसको बोनस वगैरह मिलता है। वो भी इस चीज़ में आप पढ़ोगे कि बोनस सिस्टम वगैरह होता है कि किसी को बोनस भी मिलेगा, वो कैसे मिलेगा लेबर को, तो वो भी तब पता लगेगा जब एफिशिएंसी पता लगेगी, और एफिशिएंसी कब पता लगेगी जब आप कॉस्ट अकाउंटिंग फॉलो कर रहे होगे। अगला इंपॉर्टेंस टू क्रेडिटर्स एंड इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स इन्वेस्टर के लिए क्या है बेसिकली, तो क्रेडिटर्स कौन होते हैं जो आपको उधार देते हैं, और इन्वेस्टर भी कौन होते हैं जो आपको उधार देते हैं, मतलब आप में आपकी बिजनेस में वो इन्वेस्ट करते हैं, तो वो इन्वेस्ट कब करेंगे, जब आपका अकाउंटिंग सिस्टम स्ट्रांग होगा, स्ट्रांग होगा तो मैनिपुलेशन कम होगी, मैनिपुलेशन कम होगी तो जो उन्होंने पैसा लगाया है वो उनको सेफ महसूस होगा,
कि भैया कॉस्ट अकाउंटिंग फॉलो करते हैं, पता है हमें भी, इन्वेस्टर को भी पता लग पाएगा कॉस्ट शीट को देखने के बाद कि क्या इनकी कॉस्ट की लागत है, क्या इनकी प्राइस फिक्सेशन है, मार्केट में क्या इनके हालात होंगे, ये प्रोडक्ट की बिकने की क्षमता कितनी है। बहुत सारे रीजन को देखते हुए वो इन्वेस्ट करेंगे या क्रेडिटर्स जो होंगे वो उधार देंगे आपकी फर्म को। अगर लग रहा होगा आपकी कॉस्ट शीट लॉस में जा रही है तो ओवरऑल आप लॉस में ही रहोगे, ठीक है ना। अगर किसी का कॉस्ट शीट लॉस में है तो कॉस्ट शीट में कई सारे खर्चे होते हैं जो लेते नहीं है, मतलब एक्चुअल जो पीएनएल बनेगा तो वो फिर और ज्यादा लॉस में आएगी, ठीक है ना। तो इसलिए कॉस्ट शीट के बेसिस पे भी क्रेडिटर्स या इन्वेस्टर जो है वो प्लानिंग करते हैं कि भैया बिजनेस कितना अच्छा है, इसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इंपॉर्टेंस टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का बेसिकली वही इंपॉर्टेंस है कि कुछ एक आपके ना कॉस्ट के जैसे स्टैंडर्ड्स हैं तो वो फॉलो हो रहे नहीं हो रहे, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो हो रहे नहीं हो रहे हैं, कुछ एक लिमिट क्रॉस करने के बाद कॉस्ट ऑडिट करवाई जाती है, वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे ही हो रही है, तो वो होगी या नहीं होगी वो तभी पता लगेगा जब कॉस्ट शीट प्रिपेयर हो रहा होगा। तो ये इंपॉर्टेंस हमारे किसकी आती है, गवर्नमेंट की। और इंपॉर्टेंस टू जनरल पब्लिक, जनरल पब्लिक में बेसिकली कुछ ऐसा खास नहीं है कि आप जैसे प्रोडक्ट बनाते हो, सपोज करो आपको नहीं पता कि एक पेन कितने का बन रहा है, आप पब्लिक को कितने का बेचोगे ऐसे तुक्के में। और वही अगर आपको एग्जैक्ट कॉस्टिंग पता होगी और आपको मार्केट का कॉम्पिटिशन पता होगा तो आप बिल्कुल लेस मार्जिन पर उसको सेल करोगे, प्रॉफिट मार्जिन बिल्कुल लेस रखोगे, तो कहीं ना कहीं वो किसको बेनिफिट देगा, पब्लिक को, ठीक है। तो ये बेसिकली इंपॉर्टेंस आती है हमारे किसके लिए, जनरल पब्लिक के लिए, जिसको कि वो प्रोडक्ट जो आप बना रहे हो वो सेल किया जा रहा है। अगला आता है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है ये कि ये एग्जाम में पूछे जाने के पूरे पूरे आसार होते हैं, क्योंकि बेसिक आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी पढ़ा है और आपने कॉस्ट अकाउंटिंग भी पढ़ा है, तो दोनों के बीच में आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। बताओ जी पहला पॉइंट क्या है, पर्पस, पर्पस क्या है, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस इन अ जनरल वे, इट टेल्स अबाउट द प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस टू ऑनर्स एंड अदर आउटसाइडर पार्टी। मोटा मोटा क्या हुआ भैया, पीएनएल बनता है, बैलेंस शीट बनता है, पीएनएल प्रॉफिट लॉस देता है और बैलेंस शीट आपका फाइनेंशियल पोजीशन बताता है, किसको किसको भैया, मालिक को भी या आउटसाइडर्स को भी, आप देखिए यूजर्स जो होते हैं वो आउटसाइडर भी होते हैं, जितने भी बाहर के लोग, गवर्नमेंट बैंक जो भी है। कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या करते हैं भैया, इट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट फॉर प्रॉपर प्लानिंग ऑपरेशन एंड कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग। ये जो इन्फॉर्मेशन देता है ये प्रॉफिट लॉस या फाइनेंशियल पोजीशन नहीं बता रहा, ये बेसिकली किस चीज के लिए, प्लानिंग ऑपरेशन कंट्रोल और डिसीजन वगैरह लेने के लिए। ये पर्पस हो गया कि इसका पर्पस क्या है, क्यों बना रहे हैं, प्रॉफिट लॉस फाइनेंशियल पोजीशन पता लगेगी, इसका पर्पस क्या है कि प्लानिंग कर पाएंगे, ऑपरेशन कर पाएंगे, डिसीजन ले पाएंगे वगैरह वगैरह। फॉर्म्स ऑफ अकाउंट की बात करो तो इसमें क्या है, दीज अकाउंट आर कैप्ट इन सच अ वे एज टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट एंड इनकम टैक्स एक्ट। इसके अंदर क्या है, दीज अकाउंट्स आर जनरली कैप्ट वॉलंटरीली टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द मैनेजमेंट, बट नाउ कंपनीज एक्ट हैज मेड इट ऑब्लिगेटरी टू कीप कॉस्ट रिकॉर्ड्स इन सम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। क्या कह रहा है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो आपका छोटा काम हो बड़ा काम हो आपको मेंटेन करके रखना पड़ेंगे रिकॉर्ड को, किस पर्पस के लिए, अगर कंपनी है तो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग, अदरवाइज इनकम टैक्स तो आप भरोगे भरोगे, तो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग उसको मेंटेन करना पड़ेगा आपको। बट कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग वॉलंटरी हुआ करता है ना, कोई मैंडेटरी नहीं था इसके अंदर कि कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या रिकॉर्ड्स हैं उसको मैं मेंटेन करूं ना करूं, वो मेरी मर्जी थी। लेकिन कंपनीज एक्ट के अंदर कुछ एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, कॉस्ट अकाउंटिंग मैन्युफैक्चरिंग ही लगाएगी, बट मैन्युफैक्चरिंग उन्होंने कुछ स्लैब दिया कि आपका टर्नओवर इतने से ऊपर है तो आपको कॉस्ट रिकॉर्ड इतने साल तक मेंटेन करके रखना पड़ेगा, इतने से ऊपर है तो इतने साल तक मेंटेन करके रखना पड़ेगा, वो कॉस्ट ऑडिट जब पूरा पड़ोगे आप तो वहां पर इसकी पूरी चर्चा आएगी। कॉस्ट रिकॉर्ड का एक पूरा है आपका थ्योरी का लॉ का पार्ट, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि कॉस्ट अकाउंटिंग इन जनरल तो वॉलंटरी होता है, बट कंपनीज एक्ट ने कुछ एक मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या कर दिया है, मैंडेटरी कर दिया, ठीक। अगला रिकॉर्डिंग क्या कह रहा है, इट क्लासिफाई रिकॉर्ड एंड एनालाइज द ट्रांजैक्शन इन अ सब्जेक्टिव मैनर दैट इज अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ एक्सपेंस। और इसमें क्या है, इट रिकॉर्ड्स द एक्सपेंडिचर इन अ ऑब्जेक्टिव मैनर दैट अकॉर्डिंग टू द पर्पस फॉर व्हिच द कॉस्ट आर इनकर्ड। मतलब जैसे कि आप देखते हो ना इसमें क्या कर रहा है कि उनका नेचर ऑफ एक्सपेंस, नेचर ऑफ एक्सपेंस बेसिकली यहाँ पे क्लासिफिकेशन जो होती है आपकी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के अंदर होती है, बट यहाँ पे पर्पस के अकॉर्डिंग है। पर्पस मतलब फैक्ट्री में कितना खर्चा हो रहा है, ऑफिस में कितना खर्चा हो रहा है, सेलिंग में कितना खर्चा हो रहा है, हम इस अकॉर्डिंग क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन हमारी इस अकॉर्डिंग हो रही है, सीधा सीधा नेचर के अकॉर्डिंग क्लासिफाई नहीं हो रही कि पीएनएल का आइटम है या ट्रेडिंग का आइटम। अगला कंट्रोल की बात करो, इट लेज इम्फेसिस ऑन द रिकॉर्डिंग एस्पेक्ट विदाउट अट्रैक्टिंग एनी इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोल। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम कोई कंट्रोल की बातें नहीं करते, भैया जो खर्चा हो गया बिल दे दो हम चढ़ा देंगे, ये तो रहता है ना कि आपके पास उसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होगा आप उसको पोस्ट कर दोगे, उसकी जर्नल एंट्री पास करोगे, काम हो गया आपका। बट इसके अंदर क्या है, इसके अंदर पहले तो हमें पता लगेगा खर्चा हुआ क्या, और सेकंड लेवल पर हम क्या कोशिश करेंगे उसको
कंट्रोल करने की। तो इट प्रोवाइड्स अ डिटेल्ड सिस्टम ऑफ कंट्रोल फॉर मटेरियल लेबर एंड ओवरहेड कॉस्ट विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड बजटरी कंट्रोल। ये दो मेथड आपके स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की हेल्प से करेंगे या फिर बजटरी कंट्रोल की हेल्प से करेंगे। अगला पीरियडिसिटी ऑफ अकाउंटिंग, इट रिपोर्ट्स ऑपरेटिंग रिजल्ट्स एंड फाइनेंशियल पोजीशन यूजुअली एट द एंड ऑफ द ईयर। इसके अंदर क्या है, इट गिव्स इंफॉर्मेशन थ्रू कॉस्ट रिपोर्ट्स टू मैनेजमेंट एज एंड व्हेन डिजायर्ड। आपको चाहिए एक महीने का बना के दिखाओ, दो महीने का बना, जितनी जब जैसी जरूरत है, जब डिसीजन लेना पड़ेगा तो उसके लिए उनको जो डाटा चाहिए होगा उस डाटा के अकॉर्डिंग उनको बना के देंगे। ठीक, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट। फाइनेंशियल अकाउंट्स आर दी अकाउंट्स ऑफ दी होल बिजनेस, दे आर इंडिपेंडेंट इन नेचर एंड डिस्क्लोज नेट प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस एज अ होल। क्या कह रहा है कि बेसिकली क्या है, आपका जो प्रॉफिट फाइनेंशियल अकाउंट में निकल के आया, दैट इज द फाइनल प्रॉफिट, वो एक एट द एंड पूरा फाइनल प्रॉफिट है ना, वही जो प्रॉफिट है वो एक्चुअल में आपका प्रॉफिट है। कॉस्ट शीट में जो आपका प्रॉफिट निकल के आ रहा है वो आपका प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारे खर्चे बहुत सारी इनकम नहीं ली गई है, बट फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर जो निकल के आया आपका वो क्या है, एज अ फाइनल प्रॉफिट, जिसके बेस पर आप टैक्सेशन वगैरह पे करते हो या अपने यूएस में बताते हो हमने ये कमाया ये नहीं कमाया। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, इज ओनली अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स एंड डिस्क्लोज प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ ईच प्रोडक्ट जॉब सर्विसेज। हर एक प्रोडक्ट क्या है, एक कंपनी 50 प्रोडक्ट बनाते हैं तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करता है, हर एक प्रोडक्ट के ऊपर बताएगा भी इस प्रोडक्ट में इतना प्रॉफिट हो रहा है, इस प्रोडक्ट में इतना लॉस हो रहा है, उसका पार्ट है, बट ओवरऑल नेट सेल में टोटल सेल क्या हुई, टोटल प्रॉफिट क्या हुआ, वो कौन बताएगा, आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग। रिपोर्टिंग ऑफ कॉस्ट, द कॉस्ट आर रिपोर्टेड इन द एग्रीगेट इन फाइनेंशियल अकाउंट्स, और उसके अंदर क्या होता है, ब्रोकन या यूनिट में, मतलब कि जो कॉस्ट है उसकी रिपोर्टिंग कैसे होगी फाइनेंशियल अकाउंट में, जोड़ के होती है पूरी एग्रीगेट। ठीक है, और उसके अंदर क्या होते हैं, यूनिट बेसिस पे या टुकड़ों में या पार्ट में या प्रोडक्ट बेसिस पे या सर्विसेज बेसिस पे होगा। ठीक है, मतलब कि सपोज आपने चार कॉन्ट्रैक्ट किए तो चार कॉन्ट्रैक्ट में हर एक कॉन्ट्रैक्ट का आपको सैलरी का पार्ट पता लगेगा किसके अंदर, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर, बट फाइनेंशियल अकाउंट में क्या दिखाई देगा, सिर्फ और सिर्फ एक सैलरी होगा जिसमें चारों का जोड़ रखा होगा हमने एक साथ ही, तो वो एग्रीगेट वे में प्रेजेंट करता है चीजों को और ये क्या करता है उसको पार्ट्स में। अगला नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, फाइनेंशियल अकाउंट्स रिलेट टू कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस एंड इंक्लूड ऑल एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग, ऑफिस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अंदर क्या है, कॉस्ट अकाउंट रिलेट टू ट्रांजेक्शन कनेक्टेड विद द मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड इंक्लूड ओनली दोज एक्सपेंस व्हिच एंटर इनटू प्रोडक्शन। ठीक है जी, इसके अंदर क्या है, फाइनेंशियल अकाउंट में आपके सारे खर्चे आएंगे, सारे खर्चे का मतलब क्या हुआ, जैसे आपने देखा था इंटरेस्ट वगैरह है वो भी आता है, बट इसके अंदर क्या आएगा, सिर्फ सिर्फ प्रोडक्शन से रिलेटेड अगर कोई खर्चा हो रहा है तो वही आएगा, उसके अलावा बाकी खर्चे आपके नहीं आते। इन्फॉर्मेशन, मॉनिटरी इन्फॉर्मेशन इज ऑनली यूज, दैट इज ऑनली मॉनिटरी ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड, नॉन मॉनिटरी इन्फॉर्मेशन लाइक यूनिट्स इज ऑल्सो यूज, इट डील्स विद द मॉनिटरी एज वेल एज नॉन मॉनिटरी इन्फॉर्मेशन। मतलब कि कॉस्ट शीट में यूनिट की यूजेस भी है, ऑल्दो उसका कोई रेलेवेंस नहीं है, बट नॉन मॉनिटरी चीजों को भी आप यूज कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन में आपके आता है कितने यूनिट बनाए, तो ये आपको ट्रेडिंग पी एन एल अकाउंट से नहीं पता लगेगा, ये किससे पता लगेगा आपको, कॉस्ट शीट से, तो उसमें नॉन मॉनिटरी आइटम्स भी आते हैं। फिगर्स, फाइनेंशियल अकाउंट्स डील्स मेनली विद एक्चुअल फैक्ट्स एंड फिगर्स, और कॉस्ट अकाउंट में क्या होता है आपका, एस्टिमेट्स भी होते हैं, एक्चुअल भी होते हैं और एस्टिमेट्स भी होते हैं उसके अंदर। मतलब फाइनेंशियल अकाउंट में क्या होगा भैया, जो बैंक से पैसे गए वही तो डील होगा, जो आपका कैश गया वही तो डील होगा, पर इसके अंदर क्या है कि आपने 6 महीने काम कर लिया, 3 महीने का आपने एस्टिमेट बनाया, तो वो भी कॉस्ट शीट में आपके आता है। ठीक, रेफरेंस इन डिवाइसिंग और ऑपरेटिंग अ सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, रेफरेंस कैन बी मेड इन केस ऑफ डिफिकल्टी टू द कंपनी लॉ केस डिसीजन और टू द कैनन्स ऑफ साउंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस। No such reference is possible. Guidance can be had only from a body of convention followed by cost accountants. क्या कह रहा है यहाँ पे? कि reference अगर आपको लेना हो, कोई आपका केस फंस जाए, आपको नहीं पता लग रहा इसके लिए क्या करना है, तो यहाँ पे क्या है, बड़े सारे केस स्टडीज होते हैं, कंपनी लॉ है उसमें कुछ बातें लिखी हैं वगैरह वगैरह, फॉलो कर सकते हो। बट कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होगा कि जो कॉस्ट अकाउंटेंट आपके फॉलो कर रहे हैं मार्केट में या आपकी कंपनी में, सिर्फ वही आपके लिए एक रेफरेंस है, उसके अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, अलग से कोई रेफरेंस नहीं है। ये पॉइंट का इतना रेलेवेंस नहीं है, ये डिफरेंस का इतना रेलेवेंस नहीं है, इसको इग्नोर करना एग्जाम में। रिलेटिव एफिशिएंसी, फाइनेंशियल अकाउंट्स डू नॉट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन रिलेटिव एफिशिएंसी ऑन वेरियस वर्कर्स प्लांट्स एंड मशीनरी। ऑब्वियसली बात है, एफिशिएंसी रिलेटेड कोई काम नहीं होता, बट यहां पे एफिशिएंसी मेजरमेंट होती है किसमें, कॉस्ट शीट में। तो कॉस्ट अकाउंट प्रोवाइड वेरी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन ऑन द रिलेटिव एफिशिएंसी ऑफ वेरियस प्लांट्स एंड मशीनरी। स्टॉक वैल्यूएशन की बात करो, स्टॉक और वैल्यूड एट कैसे, कॉस्ट ऑफ मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लोअर, ये रूल है आपका।
ठीक है, इसके अंदर क्या है लेंगे, स्टॉक और वैल्यू एट कॉस्ट, ठीक है। अब कॉस्ट में यहाँ पे भी मेथड बहुत सारे हैं, अभी अब जब आप करोगे तो इसके अंदर बहुत सारे मेथड आएंगे स्टॉक को मेजर करने के, लीफो फीफो बहुत सारे मेथड्स हैं, बट जनरली आप कॉस्ट बेस पे मेजर करते हैं। अगला आता है आपका टाइप्स ऑफ साइंस। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज अ पॉजिटिव साइंस बिकॉज इट इज अ सब्जेक्ट टू लीगल रिजिडिटी विद रिगार्ड टू द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कॉस्ट अकाउंटिंग इज नॉट ओनली अ पॉजिटिव साइंस बट इज ऑल्सो नॉर्मेटिव साइंस बिकॉज इट इंक्लूड टेक्निक्स ऑफ बजटरी कंट्रोल एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। मतलब क्या हुआ कि भैया फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर जो पैटर्न है वो एग्जैक्टली फॉलो होगा, रिजिड वे में फॉलो होगा, मतलब वो क्या है पूरा पॉजिटिव साइंस है कि भैया ऐसे होता है, ऐसे ही होगा, ऐसे ही सबको बनाना है, कुछ डिफरेंस नहीं कर सकते, एग्जैक्ट फॉर्मेट है, यूनिवर्सल फॉर्मेट है, हर कोई ऐसे ही काम करता है। बट कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, एक प्रकार की वर्किंग नोट है, कैलकुलेशन ही तो कर रहे हैं हम, तो वो वर्किंग नोट है, वो अलग अलग तरीकों से भी बनाई जा सकती है, हर कंपनी एक अपना पैटर्न भी फॉलो कर सकता है, तो इसलिए इसमें क्या कहते हैं हम, पॉजिटिव भी है और नॉर्मेटिव भी है, मतलब अपने अकॉर्डिंग भी यहां पे नॉर्म्स क्रिएट किए जा सकते हैं, ठीक। ये डिफरेंस थे 14 पॉइंट है, आपको कम से कम इसमें से 8 पॉइंट याद होने चाहिए जो आपको सही से समझ में आ रहे हो, 8 पॉइंट मिनिमम आप इसके अंदर से याद करके रखोगे। अगला आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है, लास्ट क्लास में मैंने बताया था कुछ, नहीं बता रहे, चलो पढ़ो कोई नहीं। मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, बेसिकली हमने क्या कहा था, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब क्या है कि वो टर्म्स, वो एरियाज जहां पे डिसीजन मेकिंग होती है, जहां पे मैनेजमेंट की इन्वॉल्वमेंट ही है और कुछ नहीं है, प्लान मेकिंग, डिसीजन मेकिंग, तो उसमें जो अकाउंटिंग फॉलो होगी वो क्या है आपका, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इन शॉर्ट हमने कहा था जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, बजटरी कंट्रोल है, ये किसका पार्ट होता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिसीजन मेकिंग्स होती हैं, प्लानिंग्स होती हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज प्राइमरी कंसर्न विद मैनेजमेंट, वाह मस्त लाइन लिखी है। इट इन्वॉल्व्स एप्लीकेशन ऑफ एप्रोप्रिएट टेक्निक्स और कॉन्सेप्ट विच हेल्प मैनेजमेंट इन एस्टैब्लिशिंग अ प्लान फॉर अ रीजनेबल इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। इट हेल्प्स इन मेकिंग रैशनल डिसीजन फॉर अकम्प्लिशमेंट ऑफ दीज ऑब्जेक्टिव। Any workable concept of techniques, whether it is drawn from cost accounting, financial accounting, economics, mathematics, and statistics, can be used in management accounting, accountancy. The data used in management accountancy should satisfy only one broad test. It should serve the purpose that is, it is intended for. A management accountant accumulates, synthesizes, and analyzes the available data and present it in a relation to a specific problem. Decision and day-to-day task of management. A management accountant review all the decision and analysis from management's point of view to determine how these decision and analysis contribute to overall organizational objective. A management accountant judges the relevancy and adequacy of available data from management point of view. अब जरा इसको समझो, जो आपका ये था, ये basically इसकी exam point of view से definition है। It involves application of appropriate technique, concept, which help management in establishing काई के लिए plan for a reasonable economic objective. Obviously बात है, economic objective है यहाँ पे, non-economic तो कुछ काम हो नहीं रहा, और basically उसकी plan को establish करने के लिए हमें जो भी data चाहिए, अब नीचे कह दिया गया data में यहाँ पे क्या हो सकता है, cost accounting का data हो, financial का data हो, math हो, science हो, stat हो, कुछ भी हो, मतलब सारे data को accumulate करना है, और मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से उसको सोचते हुए उसको कैसे हम डिसीजन में अप्लाई कर सकते हैं, जो भी हमें दिक्कत आई, जो भी प्रॉब्लम आई, उसमें कैसे उसको अप्लाई कर सकते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं हम क्या, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट होता है वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है, वो मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है कि मैनेजमेंट इस पर क्या करेगी, क्या डिसीजन होगा मैनेजमेंट का, कैसा करना चाहिए मैनेजमेंट को, तो इस तरीके से वो सारे डाटा को एक्युमुलेट करके उसके ऊपर डिसीजन लेता है। डीपली इसको आपको डिफरेंस में समझ में आ जाएगा, ऊपर से बस इतनी बात काम की थी। डील्स विद, बताओ जी कॉस्ट अकाउंटिंग काई में डील करता है, असर्टेनमेंट, एलोकेशन, अपोर्शनमेंट एंड अकाउंटिंग एस्पेक्ट ऑफ कॉस्ट। असर्टेनमेंट का मतलब क्या हुआ, फाइंड आउट करना। एलोकेशन का मतलब क्या हुआ, उसको अलग अलग जगहों पे बांटना। अपोर्शनमेंट का मतलब क्या हुआ, फिर उसको किसी ना किसी डिजायर्ड यूनिट में फाइंड आउट करना, मतलब जो टोटल कॉस्ट निकल के आई है, कॉस्ट पर मशीन आर कितना है, पर लेबर आर कितना है, पर किलो कितना है,
कोई भी यूनिट में उसको हमने डिवाइड कर दिया, उसको सॉल्व किया, तो जो हमारा चीज निकल के आएगा वो अपॉर्शनमेंट कहलाता है एंड अकाउंटिंग एस्पेक्ट ऑफ कॉस्ट। ठीक है जी, इसके अंदर बात करें तो इट डील्स विद द इफेक्ट एंड इंपैक्ट ऑफ कॉस्ट ऑन द बिजनेस, मतलब कि जो भी कॉस्ट निकल के आया उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा हमारे बिजनेस में, वो कौन डील करेगा, हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मतलब इन्होंने तो कॉस्टिंग का काम करके छोड़ दिया, अब उससे क्या रिजल्ट आ रहा है समझ पा रही है? लाइक मैंने कॉस्ट शीट बना डाली, अब उसके ऊपर वेरियंस एनालिसिस कौन करेगा? मैनेजमेंट अकाउंटेंट, कि भैया क्या सोचा था, क्या हो गया, क्या डिफरेंस आया, क्यों डिफरेंस आया वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें कौन सोचेगा? मैनेजमेंट अकाउंटेंट सोचेगा, कॉस्ट अकाउंटेंट नहीं सोचेगा। कॉस्ट अकाउंटेंट ने तो कर दी कॉस्टिंग खत्म कर दी। आगे बेस, इट प्रोवाइड्स अ बेस फॉर मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड इट डिराइव फ्रॉम बोथ कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ऑब्वियसली बात है, कॉस्ट अकाउंटिंग ही क्या है, बेस है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं होगी तो मैनेजमेंट फिर डिसीजन कैसे लेगा? और मैनेजमेंट अकाउंटिंग को क्या क्या चीज चाहिए बेस के लिए? कॉस्ट अकाउंटिंग भी चाहिए और फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी चाहिए, बेसिकली उनको तो सारे डाटा चाहिए। रोल की बात करें तो इट इज हेल्पफुल इन कलेक्टिंग कॉस्टिंग डाटा फॉर दी मैनेजमेंट। कॉस्ट अकाउंटिंग बेसिकली क्या कर रहा है, डाटा एक्युमुलेट करके दे रहा है मैनेजमेंट को। और इट इज अ ग्रेटर डिग्री ऑफ रेलेवेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी एज द मैनेजमेंट अकाउंटेंट हैज अ क्लियर आइडिया ऑफ द टाइप्स ऑफ कॉस्ट एंड आइटम्स रिक्वायरिंग एनालिसिस एंड स्टेट द स्पेसिफिक प्रॉब्लम ऑफ बिजनेस। मतलब मैनेजमेंट अकाउंटिंग को बेसिकली क्या है, एनालिसिस करने में ज्यादा एक्सपर्टीज है कि वो कॉस्ट की कैसी कैटेगराइजेशन की गई है, क्या गलतियां हुई हैं, वो गलतियों को कैसे फाइंड आउट करना है, क्या एनालिसिस करनी है, वो सारी टेक्निक्स किसको पता है? मैनेजमेंट अकाउंटेंट को। स्टेटस की बात करें तो स्टेटस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग कम्स आफ्टर द मैनेजमेंट अकाउंटिंग। स्टेटस मतलब लेवल है, वो लेवल क्या है उसका, छोटा है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग से जूनियर है कौन? कॉस्ट अकाउंटेंट। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज अ सीनियर इन पोजीशन टू कॉस्ट अकाउंटिंग, ये बंदा हमारा सीनियर पोस्ट का बंदा है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो भी छोटा ही है, जो अकाउंटेंट है हमारा, कॉस्ट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग दोनों एक रहे हुए। मैनेजरियल का मतलब क्या हुआ? डिसीजन मेकर। डिसीजन मेकर ऑब्वियसली बात है ना, ये तो क्लरिकल काम कर रहे हैं ना, डाटा एक्युमुलेट करके दे रहे हैं उस भाई साहब को, लिए तो जी तुम बताओ क्या करेंगे, तो जो बताएगा ऑब्वियसली बात है वो सीनियर है। आउटलुक की बात करें, कॉस्ट अकाउंटेंट हैज अ नैरो अप्रोच, ही हैज टू रेफर टू इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिकल डाटा फॉर एनालाइजिंग कॉस्ट इफेक्ट। मैनेजमेंट अकाउंटिंग रिपोर्ट्स द इफेक्ट ऑफ कॉस्ट ऑन द बिजनेस अलॉन्ग विद कॉस्ट एनालिसिस। मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट एनालिसिस भी कर रहा है, पर मैनेजमेंट अकाउंटिंग कॉस्ट एनालिसिस के साथ साथ बिजनेस एनालिसिस भी कर रहा है। आगे टूल्स एंड टेक्निक्स की बात करें तो इट हैज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, वेरिएबल कॉस्टिंग, ब्रेक इवन एनालिसिस एक्सेट्रा एज द बेसिस ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स। और इसके अंदर बात करें तो क्या है, अलॉन्ग विद दीज, ये तो है ही है, द मैनेजमेंट अकाउंटिंग हैज फंड एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस एक्सेट्रा एज हिज अकाउंटिंग टूल्स एंड टेक्निक्स। ठीक है जी, फंड फ्लो, कैश फ्लो, रेशियो, ये सारी चीजें भी इसका पार्ट है आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो कि कॉस्ट अकाउंटेंट नहीं देखता। स्कोप, इट डज नॉट इंक्लूड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स अकाउंटिंग, इसके अंदर चीजें नहीं आती, बट इसके अंदर इंक्लूड है फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी, कॉस्ट अकाउंटिंग भी, टैक्स प्लानिंग भी, टैक्स अकाउंटिंग भी, सब कुछ। मतलब आगे पीरियड ऑफ प्लानिंग, तो इट कंसर्न विद शॉर्ट टर्म प्लानिंग और इट इज कंसर्न विद शॉर्ट रेंज एंड लॉन्ग रेंज प्लानिंग एंड यूज ऑफ टेक्निक्स लाइक सेंसिटिविटी एनालिसिस, प्रोबेबिलिटी स्ट्रक्चर एक्सेट्रा। इट स्पेशलाइज, सॉरी, इट्स स्पेशल फील्ड इज इवेल्युएशन ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट। क्या कह रहे हैं, जो कॉस्ट अकाउंटिंग की प्लानिंग होगी वो हमेशा क्या क्या होगी, शॉर्ट होगी। मैनेजमेंट की शॉर्ट भी हो सकती है, लॉन्ग भी हो सकती है। कोई कैपिटल इन्वेस्ट करना है, कहीं पे इन्वेस्टमेंट लगानी, कोई प्लांट खड़ा करना है, कुछ भी ऐसा काम करना है लॉन्ग टर्म का, तो उसके एनालिसिस भी कौन करके देगा आपका, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। असिस्टेंट की बात करो तो इट मेनली असिस्ट द मैनेजमेंट इन इट्स फंक्शन। ठीक है, जो उसकी एक फंक्शन है उसमें एक असिस्ट कर रहा है, उसको हेल्प करके दे रहा है, डाटा एक्युमुलेट करके दे रहा है, बट ये क्या करता है, इट असिस्ट एंड इवैल्यूएट्स द मैनेजमेंट परफॉर्मेंस। तो उसमें क्या है, एक फंक्शन है छोटा सा, ये ओवरऑल परफॉर्मेंस को डील कर रहा है। अप्रोच की बात करें, इट इज हिस्टोरिकल इन इट्स अप्रोच। हिस्टोरिकल मतलब बात बीत गई, उसको एक्युमुलेट कर रहे हो। कॉस्ट अकाउंटिंग बेसिकली क्या है कि एक काम हो गया, प्रोडक्ट बन गया, उसकी कॉस्ट को हम एक्युमुलेट कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि हमेशा फ्यूचर का होगा। और यहाँ पे क्या है, फ्यूचरिस्टिक ऑब्जर्वेशन है, मतलब कि प्रोडक्ट बनने से पहले की प्लानिंग ऑन करके देगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, इंस्टॉलेशन, इट कैन बी इंस्टॉल्ड विदाउट मैनेजमेंट, बट इसके अंदर क्या है, इट नीड्स फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग एज अ बेस फॉर इट्स इंस्टॉलेशन। मतलब कि मैनेजमेंट अकाउंटेंट होगा ही तब जब वहां पे कॉस्ट और फाइनेंशियल अकाउंटेंट का मौजूद होना चाहिए, उनके डाटा होने चाहिए, अदरवाइज उसका कोई रिलेवेंस नहीं रह जाएगा। बट इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे मैनेजमेंट अकाउंटेंट नहीं भी होगा तो भी कॉस्ट अकाउंटेंट काम कर सकता है। ऑल इज वेल, ये डिफरेंसेस थे दोनों के, दोनों इंपॉर्टेंट थे। अगला आता है आपका स्कोप। स्कोप देखो ऐसे आराम से निकल जाएगा। स्कोप में पहला स्कोप क्या है,
कॉस्ट असर्टेनमेंट मेन वाइड ऑब्जेक्टिव कि भैया कॉस्ट फाइंड आउट करो. नेक्स्ट क्या होगा, जब असर्टेन हो गया तो उसकी क्या करेंगे हम, अकाउंटिंग करेंगे. और अकाउंटिंग के बाद तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या निकल के आएगा हमारा, तीसरा स्कोप क्या निकल के आएगा, उसको कंट्रोल करना. स्कोप में भी चलेगा, ऑब्जेक्टिव में भी चलेगा. ये दो तीन चीजें तो ऐसी हैं. एक प्राइस डिटरमिनेशन है, वो पॉइंट नहीं आया, वो भी आता है आपका स्कोप या ऑब्जेक्टिव के अंदर, वो भी आ जाएगा कि प्राइस डिटरमाइन करना, प्राइस फिक्सेशन करना. तो ये कुछ गिनी चुनी चीजें जो रिपीट होंगी, तो इसको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है. अगला आप पढ़ सकते हो एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग. इनमें से ना कोई एक सवाल आपका पक्का आता है, स्कोप आ जाए, ऑब्जेक्टिव पूछ ले, इंपॉर्टेंस पूछ ले, एडवांटेजेस पूछ ले, कोई एक सवाल आने की उम्मीद होती है जिसमें ओवरऑल आंसर सारा वही निकल के आएगा. बताएं जरा एडवांटेजेस क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग के. नंबर वन कह रहा है प्रॉफिटेबल एंड अनप्रॉफिटेबल एक्टिविटीज आर डिस्क्लोज्ड. मतलब कि आपको पता लगेगा कि किस प्रोडक्ट से आपको प्रॉफिट निकल रहा है, किस प्रॉफिट से आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा, किस प्रोडक्ट से. तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट या सर्विसेज के जब हम डिफरेंट सेपरेट अकाउंटिंग करेंगे तो उससे पता लगेगा क्या प्रॉफिटेबल है और क्या आपके अनप्रॉफिटेबल है. नेक्स्ट, इट इनेबल्स अ कंसर्न टू मेजर द एफिशिएंसी एंड देन टू मेंटेन एंड इंप्रूव इट. ये भी आपका पॉइंट पहले आया था, एफिशिएंसी मेजरमेंट है बेसिकली. लंबी लाइन लिख दी है बट इन शॉर्ट क्या हो रहा है ये, एफिशिएंसी मेजरमेंट. अगला, इट्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अपॉन द एस्टिमेट्स एंड टेंडर्स आर बेस्ड. मतलब कि कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर जो काम होते हैं वो किसके बेस पे होते हैं, आपके एस्टिमेशंस के बेस पे होते हैं, जो एस्टिमेट्स आप बनाते हो. ये भी पुराना आ चुका. इट गाइड्स फ्यूचर प्रोडक्शन पॉलिसीज. ये तो वो हो गया जैसे कि आपने देखा था कि सपोज करो करंट, जैसे एक प्रोडक्ट मिक्स का मैंने अभी पीछे एग्जांपल समझाया था कि करंट में आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, आपको लगा कि इसमें लॉस हो गया, तो आपकी मैन्युफैक्चरिंग क्या करोगे, थोड़ी सी कम कर दोगे. और कोई ऐसा जो मस्ट प्रॉफिटेबल चल रहा था उसकी क्या करोगे, बढ़ाओगे. तो क्या कर रहा है कि फ्यूचर प्रोडक्शन की पॉलिसी को तो बता रहा है कि फ्यूचर में कैसे प्रोडक्शन करना है आपको. इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग प्रॉफिट. ये भी नॉर्मल पॉइंट है कि भैया प्रॉफिट इंक्रीज कैसे होगा, जब वो प्रोडक्शन प्रोसेस पॉलिसी को प्रॉपर लगाओगे कि जिसमें प्रॉफिट ज्यादा है उसको ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे और जिसकी कम है उसको कम करेंगे, या उसके कॉस्ट में क्या दिक्कत है उसको एलिमिनेट करेंगे. तो ओवरऑल सारा कार्रवाई करके होना क्या है, प्रॉफिट को बढ़ना है. आगे, इट इनेबल्स अ पीरियडिकल डिटरमिनेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. वही चीज हो गई जो आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो कैसे बताता है, साल में एक बार बताता है, लेकिन ये क्या बताएगा, पीरियडिकल. मतलब आपको चाहिए दो महीने का तो दो महीने का भी प्रॉफिट लॉस बता के दे देगा, तीन महीने का तीन महीने का दे देगा. तो जिस बेसिस पे आपको जिसकी रिक्वायरमेंट होगी उस अकॉर्डिंग ये पीरियडिक बेसिस पे आपका प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट करके बताएगा. इट फर्निश रिलायबल डाटा फॉर कंपेयरिंग कॉस्ट इन डिफरेंट पीरियड्स. मतलब क्या हुआ कि सपोज क्वार्टरली आप अकाउंटिंग कर रहे हो, एक क्वार्टर में आपने देखा कि एक की कॉस्टिंग प्राइम कॉस्ट कुछ निकल के आ रहा है, अगले क्वार्टर में कुछ निकल के आ रहा है, पर यूनिट कॉस्ट कुछ निकल के आ रहा है. कभी आपको पता लगेगा कि भैया इस सीजन में लेबर हमारे महंगे मिलते हैं, इस सीजन में सस्ते मिलते हैं, या किसी रॉ मटेरियल का प्राइस अभी बढ़ जाता है, अगली बार फिर इस टाइम पे घट जाता है. तो मतलब आप अलग अलग वैरायटीज उसकी क्या कर सकते हो, कंपैरिजंस वगैरह कर सकते हो. ठीक है, द एग्जैक्ट कॉज ऑफ अ डिक्रीज और इंक्रीज इन प्रॉफिट और लॉस. मतलब कि क्यों प्रॉफिट कम हुआ, क्यों लॉस बढ़ रहा है रेगुलर बेसिस पे, तो उसके कॉजेस वगैरह भी किससे पता लगेंगे, इसी से पता लगेंगे. सपोज हमारी कॉस्ट कुछ निकल के आ रही है, एस्टिमेट किया था हमने एक प्रोडक्ट हमारा 10 रुपए बन जाएगा, प्रोडक्ट बन रहा है हमारा 15 रुपए का और हमने सेलिंग प्राइस 12 रुपए रखी हुई थी. ठीक है, तो पहले तो 10 से 15 का डिफरेंस ढूंढो. अगर लग रहा है कि नहीं भैया सारे कॉस्ट आपके रेलेवेंट है, इसके अंदर कुछ भी गलत खर्च नहीं हो रहा, तो आप सेलिंग प्राइस बढ़ाओगे उसके इसमें. ठीक है ना, बट लॉस में तो काम नहीं करता, तो मतलब हमें एग्जैक्ट कॉज बताएगा हमारा कि क्या रीजन है कि हम लॉस में जा रहे हैं, क्या रीजन है हम प्रॉफिट में है. कॉस्ट अकाउंटिंग डिस्क्लोज दी रिलेटिव एफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट वर्कर्स. रिपीट हो गया पॉइंट एफिशिएंसी के ऊपर, दूसरा पॉइंट आ गया ये आपका. अगला, 10th पॉइंट उन्होंने हाईलाइट नहीं किया बट वही है कि इनेबल करता है क्रेडिटर या इन्वेस्टर को कि भैया क्या करना है, तुम्हें पैसे लगाने हैं या नहीं लगाने इसके अंदर, जो हाईलाइट नहीं हुआ 10th पॉइंट नहीं है उसमें, हाईलाइट है, चलो इसमें नहीं है, कोई बात नहीं. अगला, हेल्प टू गवर्नमेंट, ये पहले भी आया था. हेल्प टू कंज्यूमर, ये भी पहले आया था. एफिशिएंसी ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज, इसका मतलब क्या हुआ, पब्लिक एंटरप्राइज का मतलब क्या होता है, जो गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं, पीएसयूज होती हैं, तो उसकी एफिशिएंसी पता लगाना ज्यादा जरूरी है क्योंकि वहां ज्यादा नालायक बैठे होते हैं. ठीक है ना, तो इसलिए प्राइवेट के तो चलो वो अपनी मैनेजमेंट के लिए, बट पब्लिक एंटरप्राइज अगर कोई लॉस में जा रही है तो उनकी एफिशिएंसी अच्छी चल रही है बुरी चल रही है ये पता लगाना गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा जरूरी है. ठीक है ना, कि कोई सरकारी बंदा गलत फायदे तो नहीं उठा रहा,
तो इसलिए एफिशिएंसी एक तो उन्होंने दे दिया एफिशिएंसी पहले पॉइंट, फिर एक पॉइंट अलग से बनाया गया एफिशिएंसी किसकी, पब्लिक एंटरप्राइजेस की, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू प्राइवेट एंटरप्राइज, क्योंकि वहां पे सरकार का पैसा यूज हो रहा है। देन आपने लास्ट क्लास देखा था जैसे हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं वैसे हमारे क्या होते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी होते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कितने हैं आपके 24। अब इसके अंदर आपको याद रखने की एक भी आवश्यकता नहीं है, जस्ट फॉर नॉलेज दे रखा है, आगे भी ये कहीं आपका इतना डीप यूज नहीं होगा कि आपको ये रट्टे मारने पड़े, बट अगर आप कहोगे तो मेरे हिसाब से कुछ एक मार्क्ड होते हैं जो आप याद रखो तो अच्छी बात है। जैसे कि नंबर 3 ओवरहेड पिक कर लो, इनको याद रखोगे अपने आंसर में कहीं लिखोगे तो थोड़ा सा अच्छा प्रेजेंट करेगा। नंबर 6 मटेरियल, नंबर 7 एम्प्लॉय कॉस्ट, नंबर 10 डायरेक्ट एक्सपेंस, और एक नंबर 11 कर सकते हो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। बाकी जो चीजें हैं वो सारी वो हैं जो कि आपके मतलब के भी फिलहाल है ही नहीं। ये 3-4 चीजें जो आपके आंसर में पूछे जाएंगे, आपको मटेरियल के ऊपर थ्योरी का सवाल आ सकता है तो उसके अंदर आप इसके कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 चिपका दोगे ना तो आपके आंसर थोड़ा वो स्ट्रॉन्ग बना देगा उसको, ठीक है। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है, इसके अंदर डीप पढ़ने को है नहीं, यहाँ पे आगे भी नहीं आएगा कहीं पे, बस ये नाम नाम आपको पता होने चाहिए। इसके बाद ये कॉस्टिंग एंड एड टू मैनेजमेंट कुछ नहीं है, इसके अंदर प्लानिंग होगी, डिसीजन मेकिंग होगी, कंट्रोलिंग होगी, कॉस्ट रिडक्शन होगा वगैरह वगैरह, इररिलेवेंट एरिया ये। फिर रिपीट चल रहा है, अगर आप ध्यान दो, अगर ध्यान से इसके वर्ड को देखोगे, ये जो हेडिंग आई है गुड सिस्टम ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग सर्व्स मैनेजमेंट इन अ फॉलोइंग वेज, मतलब कि कॉस्ट अकाउंटिंग जो होगी वो मैनेजमेंट को किस तरीके से सर्व करेगा, किस तरीके से फैसिलिटीज देता है, तो ये पॉइंट आपका आया था क्लासिफिकेशन एंड सब डिसीजन कॉस्ट, कंट्रोल ऑफ मटेरियल लेबर एंड ओवरहेड, बिजनेस पॉलिसीज, मतलब ये पॉइंट्स रिपीटेड हैं। अगर देखोगे ओवरऑल तो आप इसको अगर रजिस्टर में लिखोगे तो गिन के 10 या 12 पॉइंट निकल के आएंगे जो सब आंसर में लग रहे हैं, तो 10-12 पॉइंट को आपको एक्युमुलेट करना है, उसको याद रखना है। कोई सा भी सवाल आ जाए रिलेटिंग जहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग की अच्छाई क्या करता है क्यों करता है इससे रिलेटेड कोई भी सवाल होगा उसमें आप ये 10-12 पॉइंट चिपका दो, यूनिवर्सल है वो। अगला बजटिंग का आया, स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग एफिशिएंसी आ गया, बेस्ट यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज आ गया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल एंड कॉस्ट ऑडिट, ये एक नई चीज है। कॉस्ट ऑडिट मैंने आपको वैसे कई बार बोल दिया है कि कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब रेलेवेंस कॉस्ट ऑडिट में भी है, क्योंकि कॉस्ट ऑडिट आपका तभी एप्लीकेबल हो पाएगा जब वहां कॉस्ट अकाउंटिंग फॉलो हो रहा होगा और वो बताएगा कि वो कॉस्ट ऑडिट में आता है या नहीं आता। और ऑडिट होना क्यों जरूरी है, तो ऑडिट का बेसिक मतलब क्या होता है, चेकिंग करना, तो कोई भी फ्रॉड्स है कोई एरर्स वगैरह है इस टाइप की कोई चीज़ है तो वो इससे अवॉइड होती हैं। एक मेंटल में प्रेशर भी पड़ा रहता है वैसा ऑडिट होगा तो इंसान काम खुद ही सही से करता है। अगर आपको ये पता लग जाए कि कोई चेक ही नहीं करेगा तो आप काम सही से नहीं करोगे, बट आपके पास अगर ये मेंटली है कि हाँ भाई चेक हो सकता है कभी भी हो सकता है तो आप उसको ज़्यादा अच्छे से करने की कोशिश करोगे। स्पेशल फैक्टर्स हैं ये पहले आ गए थे सेम टू सेम लिखे हुए हैं, प्राइस डिटरमिनेशन ये भी पहले आया हुआ है। अगला आपका हेडिंग है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडल कॉस्टिंग सिस्टम, इसको पढ़ लेते चलो, लास्ट एरिया है वैसे फर्स्ट वाली यूनिट का हमारे। क्या है इस सवाल का मतलब कि एक अच्छा प्यारा कॉस्टिंग सिस्टम होगा तो उसकी क्या विशेषताएं होनी चाहिए, ठीक है, ये तो मतलब है ना कि अगर हम एक कॉस्टिंग सिस्टम डेवलप कर लेंगे हमें इस अकॉर्डिंग हम कॉस्टिंग करेंगे ये हमारा सिस्टम है, ठीक है, तो उसकी क्या विशेषताएं होनी चाहिए, क्या उसके अंदर चीज होनी चाहिए जिससे कि वो अच्छा आइडल माना जाएगा, ठीक है। क्या लिख रहा है, एन आइडियल सिस्टम ऑफ कॉस्टिंग इज दैट विच अचीव्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कॉस्टिंग सिस्टम एंड ब्रिंग्स ऑल एडवांटेजेस ऑफ कॉस्टिंग टू द बिजनेस, मतलब जितने एडवांटेजेस आपने पढ़े हैं वो सारे इसके अंदर फुलफिल होने चाहिए। फॉलोइंग आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर आइडियल सिस्टम ऑफ कॉस्टिंग शुड पोजेस और द पॉइंट्स विच शुड टेकन इनटू कंसीडरेशन बिफोर इंस्टॉलिंग कॉस्टिंग सिस्टम, मतलब कॉस्टिंग सिस्टम आप लगाने जा रहे हो तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है कि ये चीजें उसके अंदर होनी चाहिए, ये विशेषताएं उसके अंदर होनी चाहिए। नंबर 1 सुटेबिलिटी टू द बिजनेस, ऑब्वियसली बात है जिस बिजनेस के लिए आप कॉस्ट सिस्टम लगा रहे हो वो उसके लिए सुटेबल है या नहीं, मतलब कि आपका काम होता है प्रोसेस कॉस्टिंग, आप लगा रहे हो उसके अंदर सर्विस कॉस्टिंग तो वो सही नहीं है, तो कॉस्टिंग सिस्टम आपका सुटेबल होना चाहिए बिजनेस के लिए। नंबर 2 सिंप्लिसिटी, मतलब
कि इतना टेक्निकल ना हो कि लो ग्रेड का बंदा उसको ऑपरेट ही ना कर पाए, ठीक है ना। सिंपलिसिटी होनी चाहिए कि जो अगर उतना टेक्निकल बंदा नहीं है, जिसको उतनी साउंड नॉलेज नहीं भी है, बट वो भी उसको समझ के ऑपरेट कर पाए इजी वे में। नंबर थ्री, फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब कि अगर हमें जो हमने सिस्टम अडॉप्ट कर दिया, कल को मुझे इसके अंदर कुछ चेंज करना हो तो वो मैं कर सकूं, उसका उसके अंदर प्रोविजन होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू यूज। जैसा आपको यूज है उस अकॉर्डिंग आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो। इकोनॉमिकल का मतलब क्या हुआ कि भैया महंगा कम होना चाहिए, पता लगे ऐसा नहीं कि सिस्टम ही हमारा इतना महंगा है कि प्रोडक्ट की कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गई। अगला कंपेरेबल मतलब क्या हुआ कि जो हमारे अलग अलग पीरियड के फैक्ट्स हैं उस सिस्टम से इजीली वो कंपेयर होके उसके रिजल्ट पता लग सके। कैपेबल ऑफ प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन एट द डिजायर टाइम मतलब कि जो मैनेजमेंट है वो हमसे अगर कोई इंफॉर्मेशन मांगे तो हमें उसमें से इंफॉर्मेशन फटाक से मिल सके, ऐसा नहीं कि पता लगे इंफॉर्मेशन लगाने में उसने साल निकाल दिए। अगला मिनिमम चेंज इन द एग्जिस्टिंग सेटअप, इसका मतलब क्या हुआ कि भैया नहीं उसके अंदर ऑथराइजेशन होनी चाहिए, मतलब कि हम चाहे तो उसको कंट्रोल कर सके कि कोई उसको चेंज ना कर पाए। लाइक सर को इसको यूज कर रहा है और हर किसी ने उसको मॉडिफाई कर दिया तो मैनेजमेंट तो हिल जाएगी, तो मैनेजमेंट उसको रोक भी सके, ऑथराइज कर सके कि हाँ भैया यही लोग चेंज कर सकते हैं और उसके लिए इनको इनकी परमिशन की आवश्यकता है तो उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल भी होंगे। एग्जाम्पल का मतलब समझ लो ना, लाइक मैंने एक कंप्यूटर सिस्टम इंस्टॉल किया, कंप्यूटर सिस्टम की बात कर रहे हैं, ठीक है, अलग अलग लेवल पर कंप्यूटर सिस्टम चल रहा है, उसके अंदर मैं क्या करता हूँ कुछ एक पाथ को, लाइक एक सिंपल एग्जांपल देता है टैली का, जैसे आप एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है हमारा टैली, तो उसके अंदर क्या है कि हर किसी को मॉडिफिकेशन की नहीं होता, एक हर एक जो जूनियर लेवल है उसको दे दिया भैया सिर्फ एंट्री मारनी है। अब एंट्री मारते वक्त ना वो एक पार्टी को डिलीट नहीं कर सकता, ना ही किसी पार्टी को वो ऐड कर सकता है, वो ऐड या डिलीट करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट लेवल से ऑथराइजेशन लेनी पड़ेगी, वो उसको एक पार्टी क्रिएट करेगा तब जाके वो उसको कर पाएगा। अब अगर हर कोई ऐड डिलीट करने लगा तो सबसे पता लगा किसी ने मैनिपुलेशन कर दिया, किसी की गलती की वजह से, कोई जानबूझ के नहीं भी करना चाह रहा था, दो चार पार्टी डिलीट कर दी, हम डाटा कहां से ढूंढेंगे उसका, ठीक है ना। तो जो चेंजेस हैं वो चेंजेस हर कोई ना कर पाए, ऑथराइज्ड पर्सन कर पाए और विद सम अप्रूवल, ऐसा भी नहीं कि किसको अगर पावर दे दी तो वो कर ले चुपचाप से, उसको अप्रूवल लेनी पड़े ताकि वो जो चेंज करने वाला है उसकी नॉलेज दो चार लोगों तक जाए। अगला यूनिफॉर्मिटी ऑफ फॉर्म्स, यूनिफॉर्मिटी ऑफ फॉर्म्स का मतलब क्या हुआ कि भैया जो इसके परफॉर्मेंस वगैरह है, जो भी इसके अंदर जो टेक्निक्स है या जो भी प्रोसीजर है वो यूनिफॉर्म होने चाहिए। यूनिफॉर्म मतलब कि हर एक डिपार्टमेंट में, लाइक एक लेबर है वो किसी एक प्रोडक्ट एक डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, उसको हमने मूव कर दिया दूसरे डिपार्टमेंट में, तो ऐसा ना हो कि वहां पर तरीका कुछ अलग चल रहा हो। अगर ऑर्गेनाइजेशन एक है तो उसके अंदर यूनिफॉर्मिटी तो कम से कम होनी चाहिए। अगला मिनिमम क्लैरिकल वर्क, ये वही चीज आ रही है कि भैया क्लैरिकल की वर्क की जितनी जितनी, मतलब क्लैरिकल वर्क का मतलब क्या होता है, क्लैरिकल वर्क का मतलब क्या होता है कि अगर आप कोई सिस्टम लगा रहे हो, सिस्टम मतलब कोई टेक्निक लगा रहे हो, तो उसके अंदर जो बेसिक चीजें होती है, जैसे बेसिक चीजें का मतलब एग्जाम्पल के तौर पर बोलूं कि अगर हम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की बात करें तो वहां पर क्या होता है कि अगर आपने जनरेटरी पास कर दी तो लेजर बनाना क्या है, क्लैरिकल वर्क। दिमाग किसमें लग रहा है, जनरल में, लेजर अपने आप बन जाने चाहिए, ट्रायल बैलेंस उसमें कुछ नहीं है तो क्लोजिंग बैलेंस को पोस्ट करना है, क्रॉस ट्रांसफर करना है, तो इस टाइप की चीजें अपने आप हो जानी चाहिए। तो वही है कि आपका सिस्टम ऐसा होना चाहिए जहां पे क्लैरिकल वर्क, वो वर्क जो कि सिस्टम खुद से भी कर सकता है वो खुद से ही करे, बहुत लेस हो क्लैरिकल वर्क। अगला एफिशिएंट सिस्टम ऑफ मटेरियल कंट्रोल, ये एक नॉर्मल पॉइंट था कि मटेरियल कंट्रोल के लिए जो भी सिस्टम होना चाहिए एफिशिएंट वो उसके अंदर पाया जाए। एडिक्वेट वेजेस प्रोसीजर, प्रोसीजर का मतलब क्या हुआ, वेजेस मैंने आपको बताया था कि वेजेस वगैरह में आपका बोनस सिस्टम वगैरह भी होता है, तो वो आपका जो प्रोसीजर है वेज कैलकुलेट करने का वो आपका एडिक्वेट होना चाहिए, जिसके अंदर ये सारी चीजें भी आ रही हो कि अगर कोई काम कम कर रहा है या अगर काम उसकी एफिशिएंसी खराब है तो उसको उसको पेनल्टी भी मिले और अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको उसका बोनस भी मिले, और जो उसकी कैलकुलेशन प्रॉपर हो रही है, मतलब जो वेज हम कैलकुलेट कैसे करते होंगे, वेज कैलकुलेट करने के दो तरीके होते हैं, कौन कौन से, या तो पीस रेट सिस्टम होगा या टाइम रेट सिस्टम होगा, मतलब कि इतने पीस बनाओगे तो इतने पैसे मिलेंगे, एक ही तरीका हो सकता है, एक तरीका ये हो सकता है कि इतने घंटे काम करोगे तो ये पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो जो भी जो भी तरीका है उसकी जो एक कैलकुलेशन बनती होगी ना वो प्रॉपर काम कर रही हो, ऐसा नहीं कि हम कैलकुलेशन चेक कर रहे हैं उसमें कुछ गलती निकल गई, तो सिस्टम लगाने का फिर फायदा क्या है। अगला डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है कि कई खर्चे ऐसे होते हैं जो कि कॉमन होते हैं, कॉमन का मतलब क्या हुआ, सपोज एक फैक्ट्री है उसका बिजली बिल एक आता है लेकिन उसके अंदर चार प्रोडक्ट बनाए जाते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर, तो हमें उस बिजली को एलोकेट करना होता है उन चारों डिपार्टमेंट्स के अंदर, ठीक है, वो कैसे करेंगे, तो डिपेंड करता है अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, लाइक किसमें कितनी मशीनें लगी उस बेस पे बांटा जा सकता है,
किस पे कितनी लाइटिंग की आवश्यकता उस पर भी बांटा जा सकता है। तो कुछ भी ऐसे जो खर्चे हैं उसको जब डिपार्टमेंटलाइजेशन किया जाए, मतलब जब बांटा जाए तो वो प्रॉपर बेस लेते हुए एग्जैक्ट सही बांटा जाए, उसमें कोई गलती ना हो, ठीक है। जो कि कॉमन है, लाइक सुपरवाइजर है, चार जगह सर्विस देता है, एक सुपरवाइजर उसको सैलरी देते हैं, तो एक जो सुपरवाइजर को सैलरी देते हैं वो चारों में बटेगा, चारों प्रोडक्ट में उसका कॉस्ट बटेगा। कैसा बटेगा तो देखा जाएगा, भैया एक सुपरवाइजर 8 घंटे के लिए सुपरवाइजर का काम करता है तो किसमें कितने कितने घंटे लगाता है। जहां पर सुपरवाइजरी ज्यादा लग रही है वहां ज्यादा खर्चा आना चाहिए, जहां कम लग रही है वहां कम आना चाहिए। तो जो भी प्रोसेस है उस बेस पर उसको बांटना। अगला रिकंसिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये आपका एक बकायदा चैप्टर होगा जब आप आगे पढ़ोगे, रिकंसिलेशन करना। रिकंसिलेशन का मतलब क्या हुआ कि कॉस्ट अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग प्रॉफिट निकल के आता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग अकॉर्डिंग एक प्रॉफिट निकल के आता है, दोनों में कुछ डिफरेंस होगा ऑब्वियसली बात है, डिफरेंस फाइंड आउट करना। तो डिफरेंस कैसे कैसे फाइंड आउट होंगे, कुछ प्योरली फाइनेंशियल एक्सपेंस होंगे, कुछ प्योरली कॉस्टिंग एक्सपेंस होंगे, कुछ प्योरली फाइनेंशियल इनकम्स होंगे और प्योरली कॉस्टिंग इनकम्स होंगे, ये चार रीजन ही होगा। या कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपने इसमें अलग वैल्यू ली होगी, इस पर अलग वैल्यू ली होगी। एग्जाम्पल लो, जैसे क्लोजिंग स्टॉक है आपका, क्लोजिंग स्टॉक होता है। अब क्लोजिंग स्टॉक हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग जो फॉलो करता है उसके मेथड बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे का मतलब लीफो फीफो वेटेड एवरेज वगैरह बहुत सारे मेथड है जब आप पढ़ोगे। तो इसके अंदर एक ही मेथड होता है क्या, कॉस्ट ऑफ मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लोअर। तो हो सकता है इसका क्लोजिंग स्टॉक यूनिट दोनों में सेम होगी, ये बात पक्की है। अगर क्लोजिंग स्टॉक फाइनेंशियल अकाउंटिंग कह रहा है 1000 यूनिट है तो इसके अंदर भी 1000 यूनिट होगा, लेकिन उसकी वैल्यू आपने 1000 मल्टीप्लाई बाय 20 कर रखी हो, यहां पे 1000 मल्टीप्लाई बाय 22 है, तो ये डिफरेंस हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि अलग अलग मेथड्स हैं आपके। तो उसको रिकंसाइल करना, तो वो आपका सिस्टम खुद से करके दे दे रिकंसिलेशन का काम। ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट, की भैया यहाँ पे जो फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो फिक्स होनी चाहिए हर एक कॉस्ट अकाउंटिंग की, जो कि पूरे डिपार्टमेंट में आपके काम कर रहा है। ठीक, कुछ बेसिक नॉर्म्स थे कि हाँ भैया आपका सिस्टम है तो उसके अंदर ये सारे फीचर्स अगर होंगे तो वो ज्यादा अच्छा माना जाएगा, आइडियल माना जाएगा, अदरवाइज वो आइडियल नहीं है, ठीक है। तो अगेन ये कितने हैं आपके 24, तो आपको इसके अंदर से कम 10-12-15 तो याद रखो, अगर आइडियल आ जाए तो आइडियल में आप 10-12 पॉइंट लिख पाओगे। 14 है तो आप कम से कम 8-10 याद रखो इसके अंदर। अगला आपका पूरा यूनिट है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, जिसके अंदर कॉस्ट के अलग अलग क्लासिफिकेशन है और कुछ टेक्निक्स और मेथड्स की बातें हैं, तो इसको करते हैं अगली क्लास में, ठीक है। ये हमारा ये फिर भी थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसके पहले वाला तो थोड़ा सा ऐसे सा था। इसको मैंने आपको कहा था कुछ पढ़ के आने के लिए, इसको पढ़ लेना एटलीस्ट एक बार, ये सारे पॉइंट्स जो हैं कि किस चीज में कौन सी कॉस्टिंग लगती है, एक रफ रीड करके रखोगे तो अच्छा रहेगा। चलो अगली क्लास जब भी होगी हमारी ना, ये खत्म हो जाएगा, कॉस्ट शीट की तरफ से खत्म है, अनलेस अदरवाइज आप मुझसे कोई डाउट पूछो, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन कर लिए थे, 2-4 क्वेश्चन ही छोड़े थे हमने, और क्वेश्चन क्या है वो ओवरल होने वाले क्वेश्चन हैं। तो अगर आपके कोई